हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम डूइंग गुड, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण ब्लॉग। उम्मीद करते हैं हम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हो गया 2:13 PM। मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब मेरी दादी जी के घर, मतलब मेरे पप्पा के घर। मैं तो वहाँ नहीं रहती। ये जो गांव है ना, ये मेरी मम्मी की गांव है। ये मेरी मम्मी के, मतलब मेरे नाना जी के जगह है। और ये जो घर है मेरी मम्मी ने बनाई है अपने पैसों से। मेरी प्रोनाउंसिएशन ना थोड़ी खराब है, सबको पता है, सब मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो मैं आप लोगों को बता रही, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। रास्ते के व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं जल्दी से जाती हूँ, वापस भी मुझे आना है, आज ही आ जाऊंगी। जाने में आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं क्यों जा रही हूँ वापस आके आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस ब्लॉग। और देखिए गाइस, ये जो ब्लेजर है ना, ये मैं फ्लिपकार्ट से खरीदी 719 रुपये में, बस ये ऊपर वाला। और ये इनर जो है, ये मैं बहुत पहले खरीदी थी। हमारे यहाँ ना रोड पे काम चल रहा है, तो ऑटो शायद मेरे घर के सामने से नहीं जाएगा, तो मुझे वहाँ जो एक रास्ता है उधर जाना है। अभी पता है मम्मी ने मुझे 70 रुपये दिए, उसमें मुझे जाना भी है और वापस भी आना है। हम लोग कितने गरीब है गाइस, लुक से तो लगता है कितने अमीर है, लेकिन है बहुत गरीब। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं। चश्मा कैसा है? लग रही हूँ ना दबंग के फीमेल वर्सन। सॉरी। ये चश्मा मैं 110 रुपये में खरीदी थी, लेकिन अपन दूसरे लोगों को ऐसे नहीं बताएंगे, अमीर जैसे शो ऑफ करने हैं, बताएंगे मॉल से खरीदी और 700-800 रुपये में खरीदी। मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ। और ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि मेरी फूफी का लड़का ने बनाया अपने हाथों से, यूट्यूब देख के, और मुझे ये दिखा रहा था। ये घर तो हमारी है, लेकिन अभी ये घर मेरे जो दो फूफिया है, मेरे जो दो फूफी है, दादाजी ने उन लोगों के नाम कर दिए। मेरे दादाजी के ना 3 लड़के लड़कियां थे। एक लड़का था जो कि मेरा पप्पा है, और 2 लड़कियां थे जो कि, मतलब है अभी भी, मेरे 2 फूफी है। मेरा पप्पा का डेथ हो चुका था, तो तब मेरी मम्मी मेरी नानी के घर आ गई थी। मेरी मम्मी बोलती है कि उनको मेरे दादा दादी बहुत सताते थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मेरी ना बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन आप लोगों को सुनाऊंगी। तो यही है मेरी घर अभी, जो मतलब मेरी फूफियों के है। मैं ना अकेली घर जा रही थी, तो छोटा फूफा ने कहा कि रुक, तू मेरे बाइक में चल, मैं तेरे को छोड़ आता हूँ। तो हम लोग रास्ते में रुक के चाय पी रहे। चाय पी के मैं छोटे फूफा के साथ ही उनके बाइक में मेरे घर चली जाऊंगी। तो गाइज, आज के ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ के एक थिएटर हॉल है। इस जगह का नाम है काकोली सिनेमा तला, क्योंकि ये जो हॉल है ना, थिएटर जो है, इस थिएटर का नाम है काकोली सिनेमा हॉल।